वहां पर अमूल का जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम चल रहा है उसमें शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनते हैं क्या चेयरमैन जी श्यामल भाई और यहां इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वटवृक्ष गया है और इस विशाल वटवृक्ष की शाखाएं आज देश विदेश तक फैल चुकी है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्वर्ण जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात की दूध समितियों से जुड़े एक और साथी है जो डेयरी सेक्टर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। ये स्टेक होल्डर, ये साझेदार है हमारा पशुधन। मैं आज इस यात्रा को सफल बनाने में पशुधन के कंट्रीब्यूशन को भी सम्मानित करता हूं, उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। इनके बिना डेयरी सेक्टर की कल्पना भी नहीं हो सकती, इसलिए मेरा देश के पशुधन को भी प्रणाम। भाइयों और बहनों, भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। आज अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण, अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। आज दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अमूल के प्रोडक्ट को निर्यात किया जाता है। 18,000 से ज्यादा दुग्ध सहकारी मंडली, 36 लाख किसानों का नेटवर्क, हर दिन 3.5 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध का संग्रहण, हर रोज पशुपालकों को 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन पेमेंट, यह आसान नहीं है। छोटे छोटे पशुपालकों की यह संस्था आज जिस बड़े पैमाने पर काम कर रही है वही तो संगठन की शक्ति है, सहकार की शक्ति है। भाइयों और बहनों, दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं, अमूल इसका भी एक उदाहरण है। आज अमूल के नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में खेड़ा मिल्क यूनियन के रूप में रखी गई थी। समय के साथ डेयरी सहकारिता गुजरात में और व्यापक होती गई और फिर गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनी। आज भी ये सरकार और सहकार के तालमेल का बेहतरीन
मॉडल है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं। भारत के डेयरी सेक्टर में 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं।